जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, जो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो हमने उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये एनालिसिस आपको देखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से सीधे सीधे भी आ जाते हैं और कुछ जो है इसके पैटर्न पे आधारित रहते हैं। अब देखिए, जो सुबह में थे उसमें सेकंड शिफ्ट में मैच किए हैं क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, खैर सेम क्वेश्चन नहीं, सेम पैटर्न, पैटर्न वही था। और थर्ड में भी जो है मैच किए हैं, तो दोस्तों इसलिए इनका शिफ्टों का एनालिसिस भी ज़रूर कीजिएगा और हम आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एसएससी जीडी का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है, 10 जनवरी का है, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछे गए, चीन की दीवार तो सी किसने बनवाई, सी ह्वांगटी, तो चीन के बारे में और भी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। चीन की मुद्रा, चीन की राजधानी, इस प्रकार से चीन के स्टैम्प वर्तमान में पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो यहाँ से क्वेश्चन देख लगे क्योंकि चीन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो तुम्हारे पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान, चीन, नेपाल, तो इनसे जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले फर्स्ट शिफ्ट में बने, इसमें बने हैं। और देखो टीएच विनायक एक वाद्य यंत्र है, उससे पूछा था एक क्वेश्चन फीफा, तो वाद्य यंत्र अपने देख लेंगे, वाद्य यंत्रों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फीफा हेडक्वार्टर पूछ लिया, ज्यूरिम में है, तो आप जो है बाकी भी हेडक्वार्टर देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता, तो 20-21 जो निलंबित नहीं होते हैं, इसमें दो सिद्धि है, इसमें दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ रहा, काल विलय नृत्य, तो देखो नृत्य से सुबह में क्वेश्चन था, अब में भी क्वेश्चन, तो नृत्य पर ध्यान देंगे, काल विलय नृत्य राजस्थान का है, ये सब स्टेटिक पोर्शन है, ये स्टेटिक जी के है ये। और देखो संविधान के आर्टिकल से क्वेश्चन सीधा सीधा आया है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें जो है जीएसटी से संबंधित है 101वां। आर्टिकल 19 पूछा है, तो इसमें जो है स्वतंत्रता है, सभी प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं वर्तमान में, ठीक है, पहले 7 थी, संपत्ति का अधिकार हटा कर अलग कर दिया है, अभी 6 स्वतंत्रता हैं। दर्रे से भी क्वेश्चन उठा रहा, तो दर्रे पूछिएगा, याद कीजिएगा। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन पूछे समीर वी कामत हैं, तो आप जो है इनके जो कुछ चेयरमैन हैं उन पर भी ध्यान देंगे। व्हीलर दीप से क्वेश्चन पूछा कहाँ हैं, तो ये उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में है व्हीलर दीप। माउंट एवरेस्ट का कौन नाम पूछ लिया, का नाम नेपाल में किस नाम से जाना जाता, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पोर्शन आपको देखना कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, तो हमको इसी टॉपिकों पे वर्क करना है जिनके बाद में शिफ्टों में पेपर हैं या आने वाले समय में पेपर हैं। देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रमुख सेठी, मतलब किसने बजट पेश किया, और सुबह के में भी एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट से ही, शायद प्रथम राज्यपाल पूछी थी कि क्या पूछा था, एक क्वेश्चन सुबह भी आया था। 13वां क्वेश्चन, 1 दिसंबर एड्स दिवस, देखो दिवस से भी क्वेश्चन पूछा, ये बच्चों के ही बताए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, गलत भी बता देते हैं, परंतु लमसम यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, तो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछ रहा। भारत की सीमा कितने देशों से मिलती, 7 देशों से, और सुबह पूछा था कि नेपाल से कितने किलोमीटर की मिलती है, 1751 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, सीमाओं से एकदम क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, सभी राज्य देशों की सीमा याद कर लेंगे, कितनी किसकी लगती है, तो एक ना एक दिखाई देगी। अनुच्छेद 280 पूछ लिया, देखो सीधा 101 आर्टिकल संविधान संशोधन पूछा है, सीधे सीधे पूछ लिया वित्त आयोग 280। स्टीवन हॉकिंस की पुस्तक पूछ ली, एबी हिस्ट्री, तो ये देखो स्टैटिक का पोर्शन है, तो कुछ पुस्तकों पर भी ध्यान देंगे जो चर्चित पुस्तक है। अनुच्छेद 44 देखो सीधा सीधा पूछ लिया, समानता का अधिकार, हो सकता है कि ना भी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जरूर गए हैं सीधे सीधे आर्टिकल, तो हो सकता है 44 या 46 हो। महान फुटबॉल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा, जो महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं अदर देशों के, उनको भी याद कर लेंगे। देखो तो अर्जेंटीना का है डिएगो माराडोना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा। 2018 के GDP पूछ ली, बताओ ये क्वेश्चन कुछ एग्जामिनर चाहता है, इनको आप क्वेश्चन को छोड़ देना, क्रिएटिव मार्किंग में ना जाएं। 6.45 थी GDP 2018 में, ये तो बदलती घटती बढ़ती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना GS का पोर्शन देख लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों हिंदी में, हिंदी के देखो टॉपिक देख लो,
गद्यांश से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गद्यांश वहीं मिलेगा, उसको पढ़ के वहाँ के वहीं करना है। रिक्त स्थान भरने के लिए आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, ये भी आसान ही आ रहे हैं। विलोम शब्द से 2 आ रहे हैं, पर्यायवाची से 2 आ रहे हैं, जैसे सारंग का पर्यायवाची सांप, तो इस प्रकार से मतलब आ रहे हैं। और अब उसके पर्यायवाची हो गए और विलोम शब्द हो गए, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन, और बाकी भी 20 क्वेश्चन ही मिला जुला के दे रहे हैं। अब देखो मैथ की बात करें, लाभ हानि से आ रहे हैं, परसेंटेज से आ रहे हैं, CISI से आ रहे हैं, बेईमान दुकानदार से आ रहे हैं, गोले से, बैलेंस से, वर्क एंड टाइम से। तो यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछा औसत से, चालन दूरी से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और रीजनिंग की बात करें तो सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं 2, बढ़िया से सीरीज करके जाना, सीरीज टफ आ रही हैं। कैलकुलेटिव भी हैं, क्यूब में ज़्यादा आ रही है, क्यूब में, स्क्वायर में, ठीक है। रक्षाबंध से एक बार, या जिसमें सिंबल वाला ए डॉलर, इस प्रकार से एट द रेट बी का संबंध, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से, डाइस से, बैठक व्यवस्था, दर्पण, प्रतिबिंब, आकृति, संख्या, वेन डायग्राम और डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे क्या राजधानी वगैरह भी डिकोड करता है ना, उस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। बैठक व्यवस्था से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार का भी पूछ रहा है। कोनों पर बैठे हैं 4 आदमी, 4 आदमी अंदर बैठे हैं, और ये वाला भी पूछ रहा है। इसमें 5 आदमी पूछे हैं अभी तक, इसमें 8 आदमी पूछे हैं, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में जो है अभी वही सीधा सीधा पलटने वाला पूछ रहा, तो वही 1160 में से घटा देंगे, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब समय पूछता है। तो आकृति संख्या पूछ रहा है, जैसे आकृति ये है, तो ये अगली ये होगी, अगली ये होगी, तो अगली क्या होगी, ये वाली जो इसके रोटेशन में ये बनी, इसके बाद ये बनी, फिर ये क्या बनेगी। वेन डायग्राम में क्वेश्चन पूछ रहा है, डिक्शनरी में पूछ रहा है, तो ये अपना देख लेंगे, इस हिसाब से तैयारी करें दोस्तों। और इसका एनालिसिस का यही होता है कि हमको चैप्टरों का पता लग जाता है, हमको इन चैप्टरों पर ज़्यादा मदद करनी है, मेहनत करनी है। जैसे क्या ब्लड, ये अपना कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कैलेंडर से नहीं पूछ रहा, क्लॉक से अभी तक नहीं पूछ रहा है। अब हो सकता है आगे पूछें, परंतु अभी तक नहीं पूछे, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को दमदारी से कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं, और बिल्कुल मेहनत से इस बार SSC GT को फतेह करके आना है। और मैं आशा करता हूं, जो नो लोग, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।